अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के स्टूडियो में हम डिस्कस करेंगे वेडिंग इन द फ्लड बाय तौफीक रफत। ठीक है, इस पोयम का आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पोयम की जो क्रिटिकल एनालिसिस है और एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेन थिंग्स आज के स्टूडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर वेडिंग इन द फ्लड देखा जाए तो ये एक फ्री वर्स पोम है। ठीक है, फ्री वर्स पोम मीन्स इसका कोई प्रॉपर राइम एंड रिदम नहीं होता इसमें। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। सो एक ये एक रिवर्स फॉर्म है और ये तौफीक रफत ने लिखी है। तौफीक रफत का इंट्रो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दूसरी वीडियोस के अंदर। और इन्होंने जो है दो फेनोमेना जो है इस वेडिंग इन द फ्लड के अंदर डिस्क्राइब किए। ठीक है, सो अगर हम नेम से देखें तो एक कोई किसी वेडिंग का सिनेरियो, लेकिन जो सीजन उन्होंने रफत ने डिस्कस किया है वो कौन सा सीजन यूज किया है, मानसून या फिर फ्लड का ऐसा सीजन के वेडिंग जो है उस तूफान में, उस मॉनसून सीजन के अंदर हुई है। इन पाकिस्तान मॉनसून इज नॉट एन आइडियल सीजन फॉर अ वेडिंग, दे यूजुअली ड्राई एंड अ बिट कोल्ड सीजन इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर वेडिंग इवेंट्स। ठीक है, सो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो कोल्ड सीजन है या फिर समर सीजन है, ये सीजन जो है बेस्ट कंसिडर्ड करा जाता है वेडिंग के लिए। लेकिन मॉनसून जो है उसमें जो है ज़्यादातर शादियाँ नहीं की जाती। Rafat has just exposed rain and wedding events connecting it to Pakistani proverb that rain is caused on wedding and marriage ceremonies by girls who lick pots in the kitchen. ठीक है, सो रफत ने इसके इस पोम के अंदर क्या डिस्कस किया है कि एक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो है ओल्ड सेइंग्स हैं कि जो जिन लड़कियों से जो है किचन के बर्तन बहुत ज़्यादा टूटते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इनकी शादी में बारिश होगी। ठीक है, तो उसी सिनेरियो को यूज करते हुए उन्होंने एक, अगर हम देखें तो हमें एक पाकिस्तानी नेस फील होती है इस चीज़ के अंदर कि यस रफत हैज यूज दैट टर्म, और उन्होंने उसी बेस के ऊपर ये पोम को लिखा है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले इसमें हम नरेशन की बात करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट लेंथी पोम और इसमें डिफरेंट नरेशन को यूज किया गया। ठीक है, सो रफत ने एक पॉइंट ऑफ व्यू से पोम को नहीं बताया। ठीक है, एक ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन बल्कि उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए हैं उस वेडिंग के हवाले से। तो फर्स्ट नरेशन जो फर्स्ट यूज की है रफत ने वो है, द फर्स्ट नरेटिव इज ऑफ द मदर ऑफ द ब्राइड हु इज ग्रीविंग ओवर द लीविंग ऑफ हर डॉटर। ठीक है, फर्स्ट नरेशन किसकी है, ब्राइड की जो मदर है उनकी है, कि वो जो है बहुत ज़्यादा दुख में है और कि उनकी बेटी की शादी होगी और अब वो वापस चली जाएगी, कि वो वहाँ से उसे वापस नहीं आना है। ठीक है, जैसे कल्चर के अंदर होता है कि अगर मैरिज होने के बाद जो है काफ़ी कस्टम्स यही कहलाते हैं कि जो है बेटी को वापस नहीं आने दिया जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है मदर जो है बहुत ज़्यादा सैड हैं और वो अपनी उस पोम के अंदर वो अपने लाइन्स के अंदर वो उस ग्रीवनेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि उनकी जो बेटी की शादी हो रही है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रही है। ठीक है, सेकेंड नरेशन अगर हम देखें तो वो किसकी है, द नेक्स्ट वॉइस विच रीडर कम अक्रॉस इज द वॉइस ऑफ द ब्राइड ग्रूम। सो नेक्स्ट वॉइस जो हमें सेकेंड नरेशन मिल रही है मदर के बाद, वो हमें किसकी मिल रही है, ग्रूम की। ठीक है, अब ग्रूम जो है अगर हम उसकी नरेशन के अबाउट देखें तो वो अपनी वेडिंग के अबाउट क्या सोच रहा है, मेरी वाइफ कैसी होगी, ठीक है, क्या वो ब्यूटीफुल है या नहीं है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों की वो थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, सो रफत ने इस ग्रूम की नरेशन के अंदर सिर्फ जो है ग्रूम के जो थॉट्स हैं उनके अबाउट जो है जिक्र किया। ठीक है, थर्ड नरेशन अगर हम देखें, द थर्ड नरेटिव इज ऑफ द ब्राइड, द ब्राइड इज नॉट डिसाइडेड अबाउट हर हस्बैंड और हर मटीरियल कंसर्न मार्शल कंसर्न, बट शी इज वरीड अबाउट वॉट काइंड ऑफ पीपल शी इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद। ठीक है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि थर्ड जिसकी नरेशन रफत ने यूज की है वो किसकी नरेशन है, वो ब्राइड की नरेशन है। ठीक है, वो ब्राइड, अब उसमें ब्राइड अपना वो भी सोच रही है, ठीक है, कि उसका जो ससुराल होगा वो किस टाइप का हो गया, ठीक है, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वो अपने हस्बैंड के अबाउट भी नहीं सोच रही है वो कैसा होगा किस तरीके का होगा, बल्कि वो उन लोगों के अबाउट सोच रही है, उस घर के अबाउट सोच रही है कि वहाँ आगे के जाके क्या होना है। ठीक है, द फोर्थ नरेशन, द सेकंड लास्ट नरेटिव वाज ऑफ द ब्राइडग्रूम फादर हु इज सपोज्डली रिप्रेजेंट ऑफ अ पोस्ट मटेरियलिस्टिक माइंडसेट वेयर द मैरिज वाज अ सर्टेन पेमेंट टू अर्न अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ डाउरी। ठीक है,
जो नेक्स्ट नरेशन रफत ने यूज किए है वो ब्राइड जो ग्रूम फादर है उसके नरेशन है, और उस नरेशन में हमें क्या मिलता है कि वो जो दूल्हे का जो अब्बा है वो बहुत ज़्यादा जो है एक मटीरियलिस्टिक उसकी थिंकिंग है, और वो सिर्फ उस जहेज के अबाउट सोच रहा है जो वो दुल्हन लेकर आएगी, ठीक है, कि वो कितने सारा जो है उसके जहेज में क्या क्या होगा, कि उन्होंने क्या क्या दिया होगा। तो उसकी जो थिंकिंग है रफत ने हमें दिखाई है कि वो किस तरीके से कि वो सिर्फ उन ना वो उस ब्राइड के अबाउट सोच रहा है, ना वो उस फैमिली का एक न्यू फैमिली का आगाज हो रहा है तो ना वो उसके अबाउट सोच रहा है, बल्कि वो किस चीज़ों के अबाउट सोच रहा है, उन उस सामान के अबाउट जो के उसके घर वाले उसको देंगे दुल्हन में, ठीक है, और क्या क्या उसके जहेज में उसको मिलेगा वो सिर्फ उन चीज़ों के अबाउट सोच रहा है, ठीक है। तो ब्राइड जो एक मैरिज दिखाई गई है यहाँ पर इस पोम के अंदर, वो सिर्फ उस इस टर्म के अंदर भी लिया जाता है कि अगर मैरिज को सिर्फ एक किस वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट के थ्रू देखा जाता है, ठीक है, कि हमें उससे जो जहेज में जो सामान मिलेगा उससे हमें कितना फायदा होगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ नरेशन थी, और उसके बाद लास्ट में एक फेरी मैन के अबाउट है कि फिर लास्ट में जो फॉर्म का एंड किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से जो है वेडिंग जो है एक पूरी जो सबकी थॉट्स थी वो किस तरीके से जो है एक नेचुरल डिजास्टर के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। वो किसी की भी जो भी इंसान जो भी सोच रहा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट हुआ, और वैसा क्या हुआ ये हम क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर हम इसके थीम देखें, द थीम ऑफ द पोम इज ऑफ अ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी वेडिंग बट विद द डिफरेंट नरेटिव वॉइसेस व्हिच प्रोवाइड अ विविड इनसाइट टू हाउ दे फील अबाउट द वेडिंग एंड इट्स जर्नी व्हाइल क्रॉसिंग अ रिवर इनटू व्हिच द वेडिंग पार्टली इज स्टक ड्यू टू द मॉनसून रेन व्हिच फ्लड्स इट, ठीक है। सो अगर हम इधर हमें एक पूरा सिनेरियो मिल रहा है इस पोम के अबाउट के, एक रफत ने इस पोम के अंदर एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी वेडिंग के अबाउट बात की है, और उसने डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज़ किए, नरेटिव पर्सपेक्टिव यूज़ किए हैं, ठीक है, जिससे हमें एक क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है हर उस मेन पीपल की, ठीक है, जो मेन लोग हैं उस शादी के, ब्राइड की मदर हो गई, ब्राइड हो गई, ब्राइड का ब्राइड के, और उसके बाद ग्रूम के फादर एंड वो ग्रूम खुद, ठीक है। तो वो सब अपने अपने क्या सोच रहे हैं हमें उससे एक क्लियर पिक्चर इस फॉर्म के अबाउट नज़र आई है, ठीक है। तो फिर हमें ये, लेकिन लास्ट में फिर क्या होता है कि वो वेडिंग जो है एक उसको जो है क्रॉस करना होता है रिवर, लेकिन वो उस मानसून की वजह से वो उस फ्लड में फंस चुकी है। ईच ऑफ द स्टैंजास डील विद द कॉमन पर्सपेक्टिव थ्रू द पर्सनल रिफ्लेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन ऑफ द मानसून। देयर आर कमेंट्स अपॉन द डाउरी दैट द ब्राइड टेक्स विद हर एंड देयर आर आल्सो जजमेंट्स ऑफ द ब्राइड दैट कनेक्ट विद हर विद द मानसून, ठीक है। सो एक मानसून की जो थिंग है वो रफत ने हर नरेशन में यूज़ किया, उसको कनेक्ट किया है किस तरीके से हम ये इसको एक्सप्लेनेशन के अंदर देखेंगे। और अगर हम देखें तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू में वो ब्राइड को जो है हर उसको उसकी बेस के ऊपर, ठीक है, जो अगर हम अगर उसके फादर के ग्रूम के फादर के अबाउट भी देखें तो वो भी जो है ब्राइड को पोस्ट रहा है बिकॉज ऑफ द वेडिंग, मदर भी जो है वो भी सैड हैं और फिर वो इस वजह से भी परेशान हो रही हैं कि उसमें भी उन्होंने मानसून का जिक्र किया है कि उस वक्त भी बारिश हो रही है, और जो ग्रूम है वो भी जो है मानसून के बारे में सोच रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग ने पहुंचना है। ये सारी चीज़ें रफत ने इस चीज़ के अंदर डिस्कस की हैं, ठीक है। सो अगर मेन थीम्स हम देखें इस पोम के अंदर, इस एंड द फेयर ऑफ मैरिज, ऑर्डरिंग सिस्टम ऑफ डाउरी, डिपॉजिट्स कस्टम ऑफ मटीरियलिस्टिक वैल्यूज ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, नेचर वर्सेस ह्यूमन, दीज आर द मेन थीम्स इन दिस फॉर्म, ठीक है, जो कि हमें नज़र आती हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव को, नैरेटिव पर्सपेक्टिव को देख के। सो ये सारी चीज़ें हम लोग इसकी क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर अब हम इसके बाद देखते हैं सैम्बल्स को, ठीक है। फॉर्म के अंदर डिफरेंट सैम्बल्स भी रफत ने यूज़ किए हैं, ठीक है, जिससे हमें एक कल्चरल एस्पेक्ट भी नज़र आता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम पोम के अंदर देखें, पैलेंकिन वर्ड यूज़ किया रफत ने, जो कि हमें क्या सिंबलाइज करता है, अ कैस्केट। कैस्केट क्या होता है, वो ताबूत होता है जिसको जो है लोगों ने पकड़ा होता है जब इंसान की डेथ हो जाती है, तो अब वो
जिस तरीके से ब्राइड को लेके जाना था, तो उसकी भी जो एक डोली थी एंड वो मदर को किस टाइप से लग रहा होता है कि ये एक पैलेंकिन है, ठीक है, कि मेरी बेटी जो है हमेशा के लिए रुखसत हो रही है. A casket is a simply a symbol of coffin where bride is taken from her mother's house to her new final home. And mothers think that she is going for forever. It simply seems that she is taken to the graveyard. So this blanket is a symbol of casket. ठीक है? So mother क्या सोच रही है कि मेरी बेटी को हमेशा के लिए लेके जाया जा रहा है और फिर वो एक bride जो है अपने new घर के अंदर जा रही है, तो फिर उस इस तरीके से लग रहा है कि वो graveyard में जा रही है. ठीक है? अब For some bearing the palanquin of their shoulder symbolized men taking a dead body towards grave. ठीक है, अब उस palanquin को जो है चार different लोगों ने पकड़ा है, जिस तरीके से एक ताबूत को जो है, casket को जो है, coffin को जो है लोगों ने पकड़ा होता है. ठीक है, so ये एक क्या symbolize कर रहा है कि ये एक dead body है जो कि उसको अपने उसके कब्र में लेके जाया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट सिंबल रुफत ने क्या यूज किया है, ब्राउन एंड एंग्री वाटर सिंबलाइजेस बोथ द डिस्ट्रक्टिव एंड द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ नेचर. अब अगर हम ब्राउन वाटर क्यों देखें, बिकॉज हमें पता है हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है, ठीक है, या फिर हमारी जो सोसाइटीज है वहाँ के रोड्स इतने पक्के नहीं है, या फिर और फिर हमने देखा था कि एक विलेज मैरिज है. ठीक है, तो वहां पर जो है ब्राउन वाटर जो है सिंबलाइज कर रहा है कि मडी वाटर. ठीक है, सो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, बोथ डिस्ट्रक्टिव एंड द क्रिएटिव एस्पेक्ट. डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट अगर हम देखें, इट एक्चुअली शोज दैट द एवरीबॉडी हैज समथिंग मटेरियलिस्टिक थिंकिंग एंड इंटरेस्ट, लाइक ब्राइड ग्रूम फादर इज लाइक थिंकिंग देयर इंटरेस्ट विच इज शोन सम सेंस. So this angry river is destructive nature which has all taken away the earthly sinners with the people. In the end of the poem, all were taken away by the waves and they drowned. This is something God's power which is taken to the all the sinning peoples away from the earth. ठीक है, so अगर हम destructive way में देखें, तो हमने इस narrative respect में अगर हम देखेंगे, तो हमें नजर आएगा कि हर जो लोग है वो सिर्फ एक उनके सिर्फ एक materialistic thinking है, वो सिर्फ अपनी अपनी सोच की हदूद तक वो अपने बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, अगर हम उस फादर के अबाउट देखें, ग्रूम फादर के अबाउट, तो वो तो सिर्फ जहेज के अबाउट सोच रहे हैं. अगर हम ग्रूम को देखें, वो भी सिर्फ उस अपनी वाइफ की जो है ब्यूटी के अबाउट सोच रहा है. और अगर हम ब्राइड को देखें, तो वो भी सिर्फ उस न्यू प्लेस के अबाउट सोच रही है कि वो कैसे होगा. तो सम हाउस समथिंग इज ऑल अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग. लेकिन फिर हमने देखा कि इन द एंड किस तरीके से जो है नेचर ने उसको अपने बिल्कुल समथिंग उसने अपने उस सिनर्स को जो थे उस सिन को जो था वो ख़त्म किया है. ठीक है, और उसने जो है एक हमने देखा कि लास्ट के अंदर क्या हुआ कि जो पूरे की पूरी जो वो फ्लड के अंदर वो लोग डूब गए थे और तमाम सामान भी बह गया था. तो इससे हमें क्या नज़र आया कि अल्लाह ताला ने जो गॉड था उसने तमाम जो बुराई जो थी उसको ख़त्म कर दिया थ्रू द नेचुरल एस्पेक्ट. क्रिएटिव नेचर एस्पेक्ट ऑफ नेचर इट्स अ गॉड नेचर विच क्लीन्स ऑल द बैड सिन फ्रॉम द अर्थ. दिस इज समथिंग क्रिएटिव इन नेचर एस्पेक्ट फ्रॉम गॉड. डाउरी सिंबलाइज अफेक्शन इंस्पिरेशन डाउट्स एंड मैलिक्स करेक्टर्स. ठीक है, सो अगर हम देखें तो क्रिएटिव एस्पेक्ट इससे क्या हुआ कि जो गॉड था उसने जो है तमाम बैड एलिमेंट्स को जो है सिंस को जो है वो अपने उस अर्थ से ख़त्म किए. ठीक है, और उसने अब हमने देखा कि मटीरियलिस्टिक थिंग जो है जो कि डाउरी है एक वो मेन सिंबलाइज कर रहा है मटीरियलिज्म को, तो वो किस चीज़ को शो कर रहा है, अफेक्शन को, एस्पिरेशन को, डाउट्स को एंड मैलिस को इन करेक्टर. ठीक है, हर करेक्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा हमें ये नज़र आता है. ठीक है, तो ये भी हम जो है क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन में डिटेल में देखेंगे. इसके बाद द कोर्ट सिंबलाइज हियर्स कोर्ट रफत ने यूज किया है दीज वर्ड्स जो कि हमें एक अगर हम देखें तो हमारी फेमस स्टोरीज फेमस फोक स्टोरीज जो हैं उनसे हमें सिंबलाइज किया गया है इन चीज़ों को. कोर्ट हमने देखा तो वो भी एक हियर्स कोर्ट के अबाउट वो सिंबलाइज कर रहा था. लुकिंग ग्लास हमने देखा पोम के अंदर मौजूद है जो कि सोने के रिफ्लेक्शन को सिंबलाइज कर रहा है. द ट्रंक हमने देखा जो कि सिंबलाइज कर रहा है सस्सीज बॉक्स. तो ये जो हैं ये एक फोक स्टोरीज हैं पाकिस्तानी कल्चर की. ठीक है, और हम देखेंगे कि किस तरीके से रफत ने इनको यूज किया है. द ब्राइड सिंबलाइज यर्निंग ऑफ अ मिस्टिक हार्ट एंड अ शेफर्ड.
Bride is not simply a woman. They also have their yearnings, their wishes, dreams, feelings which were ignored by other people. ठीक है? So अगर हम bride को देखें तो वो भी जो है कुछ चीजों को symbolize कर रहा है. एक तो फिर वो एक not वो simply एक woman नहीं है, बल्कि उससे different wishes भी जो है, उसकी feelings भी हैं, वो सबको इसको ignore किए जा रहे हैं. ठीक है? By different people. The ferryman which symbolizes fate, where everything depends on a ferryman, the boat was there. ठीक है? So in the last, the ferryman was there कि उसने जो है river को cross करवाना था. ठीक है? लेकिन फिर उस क्या हुआ, वो एक तरीके से symbolize कर रहा है, fate को भी symbolize कर रहा है, because उस river को cross करते तो फिर वो जो है उस अपनी मंजिल तक पहुंच पाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल उसके अगेंस्ट हुआ. The boat was their destiny, where the ferryman might save them. ठीक है? तो हमने देखा था कि बोट भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो सब गलत हुआ और फिर जो है एक नेचुरल डिजास्टर के अंदर वो सब लोग तबाह हो गए. ठीक है? The narrator, the narrator become a harbinger of the five symbolic qualities associated with the ether, आकाश और sky. Namely, superiority, dominance, cosmic power, destructive force, and such of storm, supernatural forces, and spiritual session and inspiration. ठीक है? तो narrator जो है वो भी किससे उसको symbolize कर रहा है, as an ether. ठीक है? तो वो five qualities जो है उसको represent कर रहा है. ठीक है? sky से अब वो आकाश या फिर sky जो के हम आकाश हम हिंदी में कहते हैं. So this is the symbolizes the superiority, dominance. ठीक है? ये सारी चीजें हमने देखी कि ये किस तरीके से poem के अंदर एक dominance जो है रखी हुई है. ठीक है? So this is all about wedding in the flood. ठीक है? ये कुछ main चीजें थी और इसके बाद अब हम next video में इसकी जो है critical summary को discuss करेंगे और line by line explanation को देखेंगे. ठीक है?